वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक 8 KVA का जनरेटर जो कि भारत इंडस्ट्रीज़ कंपनी का है। आज मैं इसके लोड के बारे में बताऊंगा आपको, डीजल खपत के बारे में बताऊंगा, वोल्टेज के बारे में बताऊंगा और बाइंडिंग के बारे में बताऊंगा। ये देख सकते हैं भारत इंडस्ट्रीज़ का ये जनरेटर है जो कि 8 KVA का जनरेटर है। ये देख सकते हैं इस पर मोहर लगी हुई है BIEL। 1972 में स्थापित हुई थी ये कंपनी, आगरा की ये कंपनी, और काफ़ी अच्छे जनरेटर ये बनाती है। सभी जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इसकी मोहर। ये देख सकते हैं आप, इसके इंजन पर, इसके ब्लॉक पर लिखा हुआ मिल जाएगा, इसके टापे पर और अल्टरनेटर पर भी लिखा हुआ मिल जाता है। बहुत ही अच्छे जनरेटर ये बनाती है कंपनी। मैंने स्वयं इसको ट्राई किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इसके फिल्टर पर भी भारत इंडस्ट्रीज लिखा हुआ होता है और इसके अल्टरनेटर है उसके भी आगे और पीछे दोनों तरफ भारत इंडस्ट्रीज लिखा हुआ होता है। 100% कॉपर बाइंडिंग में ये अल्टरनेटर होते हैं इसके। यदि मैं इसके डीजल खपत के बारे में बात करूं तो फुल लोड पर ये 1.25 लीटर से 1.5 लीटर प्रति घंटे का डीजल लेगा। भारत इंडस्ट्रीज़ के जो भी जनरेटर हैं बहुत ही दमदार जनरेटर हैं और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। इसको यदि आप चलाएंगे तो ये वाइब्रेशन बहुत ही कम करता है और यदि इस पर लोड डालेंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप की इसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं होती है। सिंगल फेस का इस पर अल्टरनेटर लगा हुआ है। मैं इसकी आपको प्लेट दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं इस पर KVA लिखा हुआ है 8, वोल्टेज 220, फेज 1 और एम्पेयर है इस पर 32 एम्पेयर। भारत इंडस्ट्रीज इस पर लिखा हुआ है, इस पर आप ईमेल भी डाला हुआ है इसका और वेबसाइट भी डाली हुई है। फील्ड बाइंडिंग और डायोड वाला ये अल्टरनेटर है। इसका मैं इंजन आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं इंजन, इसके इंजन के ब्लॉक पर, बॉडी पर, सभी जगह भारत इंडस्ट्रीज़ की मोहर लगी हुई होती है। ये देख सकते हैं आप, ISI सर्टिफाइड ये इंजन है। इंजन की प्लेट में दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं इसमें मॉडल नंबर लिखा हुआ है। आउटपुट है इसका 12 HP, यानी 12 HP का इंजन है। स्पीड इसकी 1500 RPM है। जब भी आप इस इंजन को या जनरेटर खरीदते हैं तो आपको फुल गारंटी के साथ ये दिया जाता है। जो भी सामान इस जनरेटर में लगाया गया है वो काफ़ी हैवी लगाया गया है, चाहे इसकी ट्रॉली हो, फिल्टर हो, रेडिएटर हो या इसके पहिए हो, सभी कुछ बहुत ही हैवी लगाया गया है। इसका साइलेंसर और एयर देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं। इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, यदि आप इसको चलाते हैं तो ये वाइब्रेशन बहुत ही कम करता है। इसके देखिए ब्लॉक पर भी लिखा हुआ है भारत इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश्ड 1972 असली। ध्यान रखें, जब भी इंजन वाइब्रेशन कम करता है तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, और यदि इंजन आपका वाइब्रेशन कर रहा है तो उसकी लाइफ कम होगी। उसका रेडिएटर भी टूटता रहेगा समय समय पर, कपलिंग भी समय समय पर टूटती रहेगी। ये देख सकते हैं इसके रेडिएटर पर भी भारत इंडस्ट्रीज़ की प्लेट लगी हुई है। और यदि हम इसके वजन के बारे में बात करें तो और इंजनों से इसका वजन थोड़ा भारी होता है, क्योंकि बहुत ही हैवी बॉडी का बनाया जाता है। यदि इसकी व्हील के बारे में बात करूं तो व्हील के अंदर इसके फ़ैन दिए हुए होते हैं। फ़ैन का लाभ मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारा इंजन चलता है और व्हील घूमता है तब जो फ़ैन होता है वो बॉडी को हवा देता है, तो बॉडी के अंदर जो मोबिल होता है वो ठंडा रहता है, जिससे हमारी जो एफिशिएंसी है इंजन की वो ज़्यादा होती है। ये देख सकते हैं इसके अल्टरनेटर में रेजिस्टेंस लगी हुई है वोल्टेज को कम करने के लिए। वोल्टेज जब भी रखें 220 वोल्टेज रखें, उससे ज़्यादा वोल्टेज ना चलाएं, ताकि इंजन पर हमारा कम लोड पड़े। ये देख सकते हैं इसके डायोड लगे हुए हैं, 4 डायोड लगे हुए हैं ऊपर। सिंगल फेस का ये अल्टरनेटर है। इसकी सप्लाई को आप डायरेक्ट अपने जो इनपुट की सप्लाई होती है आपकी उसमें जोड़ सकते हैं। गारंटेड 100% कॉपर वाइंडिंग इस पर लिखा हुआ होता है। यदि आप एक अच्छा जनरेटर खरीदना चाहते हैं तो भारत इंडस्ट्रीज़ पर आप पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं। भारत इंडस्ट्रीज जो है ये आगरा की कंपनी है, और जो आगरा में जनरेटर बनते हैं वो मोस्टली अच्छे जनरेटर ही बनते हैं। आप इसका व्हील देख सकते हैं, ये व्हील जो है और इंजनों की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है।
जिससे ये लोड भी ज़्यादा लेता है और जो इसका एयर है वो काफ़ी बड़ा है, अच्छी क्वालिटी का एयर है, जिससे इसमें अच्छी एयर क्लीनिंग होती है। बस